Hello, hello, hello. Chalo, let's start. Abhi hum start kare. Sale on accrual basis. Sale of goods on accrual or return basis. Sabse pehle dekho ye concept kya hai. Concept short mein main bata deta hu. Sale on accrual basis mein kya hota hai? Jaise ki agar aapke paas मतलब दो तरीके से हो सकता है, आपका बिजनेस ही ऐसा है जहां पे गुड्स दिखाए जाते हैं वो सामने वाले को पसंद आ गए तो रख लेगा, अदरवाइज रिटर्न कर देगा। मतलब वो रख लेगा मतलब क्या, परचेस कर लेगा या फिर रिटर्न कर देगा, और उसे पसंद नहीं आए रिटर्न कर देगा, पसंद आ गए रख लेगा। आपका बिजनेस ही ऐसे टाइप का है जहां पर हम गुड्स देते हैं और कहते हैं कि ये पसंद आ गए तो रख लो अदरवाइज वापस भेज दो। ठीक है, वंस अगेन, पसंद आ गए तो बोलो रख लो अदरवाइज वापस कर दो। मतलब सेल ऑन अप्रूवल मतलब क्या, अगर पसंद आए तो रख लो और रिटर्न या फिर वापस कर दो। क्लियर? ऐसे केस में क्वेश्चन ये आता है कि ओनरशिप सेल कब हुआ या ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। जब वो बोलेगा, लॉबी ये कहता है, जब वो बोलेगा, जब वो पर्सन बोलेगा कि हाँ ठीक है मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, मैं रखता हूं वो गुड्स, तो ऐसे केस में हम क्या मानते हैं, गुड्स सेल हो गए। पैसे बाद में आएंगे, उधारी पे सेल हो गया। आज मैंने गुड्स आपको देखने के लिए दे दिए, क्या मैंने आपको सेल किए, नहीं किए। सेल कब होगा, जब आपको पसंद आएगा और आप बोलोगे कि ठीक है मैंने गुड्स रख लिए, उस वक्त वो सेल हो जाएगा। और कौन सा सेल होगा, क्रेडिट सेल। कौन सा सेल होगा, क्रेडिट सेल, क्योंकि आप इमीडिएटली पैसे दोगे, नॉट नेसेसरी चार पांच दिन बाद, एक महीने बाद पैसे दे सकते हो। तो ये आपका बिजनेस ही इस टाइप का है कि जहां पे आप गुड्स के देख के पसंद आ गए तो रख लोगे। इतना क्या सोचो, हाँ, ठीक है चलो। वो 11:30 तक रहता है पहला क्लास, ओके, उसके बाद में नहीं रहता, उसके बाद में आपका ही रहता है। ठीक है, उस वक्त ये था, मैं किस वजह से बोल रहा था कि सामने मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो भी स्टूडेंट्स अंदर आ जाए लॉ के लिए, ठीक है, तो उस वजह से मैंने बोला था कि मैं ऑब्वियसली देख के पता चलना चाहिए कि ये लेक्चर कौन सा चल रहा है, इस वजह से मैंने बोला था, तो कन्फ्यूजन होना ऑब्वियस बात है, बट टीचर देख के तो समझ में आ जाए, ये मेरा उस वक्त पॉइंट था। ठीक है, ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि अगर गुड्स पसंद आ गए तो रख लो, नहीं तो वापस कर दो। तो आज मैंने जब आपको गुड्स दिए तो मैंने आपको बेचे है क्या, नहीं बेचे, इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रूवल। अगर आपने अप्रूव कर दिया तो गुड्स आपके, नहीं किया तो रिटर्न कर दो। समझ आ गया, कोई डाउट है? ठीक है, अभी ऐसी केस में आपका बिजनेस में कंटिन्यूअसली ऐसी एक्टिविटी चलती है क्या, गुड्स देंगे पसंद आ गए तो रख लेंगे नहीं तो वापस कर देंगे, या फिर कभी कभी करना पड़ता है सिर्फ अपने पहचान वाले जो लोग हैं या क्लोज जो मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्वेलरी के शॉप में आप जाते हो तो वो ऐसा कहेंगे ये घर पे जाके देख लो, पसंद आ गया तो रख लो नहीं तो वापस कर दो। बोलेंगे जाके देखो रामका में, उनको बोलो कि नहीं मैं टीचर ने हमारे सर ने ना हमें सेल ऑन अप्रैल बेसिस पढ़ा है, तो उसमें ऐसा भी बताया कि ऐसे भी हो सकता है, तो प्लीज दे दो ना, मैं घर पे जाके चेक कर लेती हूँ। ठीक है, और अगर पसंद आ गए तो रख लेती हूँ, अदरवाइज वापिस कर दूंगी प्लीज। ओके, ऐसा, हाँ ठीक है, वो देंगे नहीं देंगे, लेकिन इसी जगह पे उनके बहुत एक मान लो कि क्लोज या मतलब क्या है कि एक बिजनेस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे खासे रिलेशन है, वो आते हैं तो खुद ही बोलेंगे एक काम करो आपको कुछ डिजाइन में घर पे भेज देता हूँ, आपको घर पे कुछ डिजाइन में भेज देता हूँ और अगर पसंद आ गए तो रख लो अदरवाइज वापस कर दो। अपना घर का ही मामला है ना, ठीक है, आप क्या मैं क्या, हम लोग सेम ही है, ठीक है, घर का ही मामला है, भेज देंगे, पसंद आ गया वो रख लो। समझ आए फर्क, समझ में आए? मतलब वो जो है, मतलब ज्वेलरी शॉप जो है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स, मतलब रेगुलरली उनका बिजनेस नहीं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का, लेकिन कभी कभी वो दे रहे, कभी कभी, नॉट फ्रिक्वेंट, कभी कभी वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेज देते आपके पास गुड्स। ठीक है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हो भी सकते हैं कि जहां पे उन्होंने ही कहा कि आप लेके जाओ, लगा अच्छा तो रख लो नहीं तो वापस कर दो। तो क्वेश्चन ही आता है कि आपके यहां पे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की एक्टिविटी रेगुलर चलती है या रेगुलर नहीं चलती है। अगर रेगुलर चलती है, रेगुलर चलती है, तो आप क्या करो उसके लिए सेपरेट बुक्स मेंटेन करो कि किसके पास कितने गुड्स दिए, उसमें से कितने लोगों ने गुड्स पसंद किए, कितने वापस आ गए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना। मतलब साल भर में आप मान लो 10,000 ट्रांजेक्शन ऐसे करते हो, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, कि जहां पे आप लोगों को गुड्स देते हो, कहते हो पसंद आ गए रख लो नहीं तो वापस कर दो, इसका रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन होना चाहिए क्या? आया ना, हाँ, इतने बड़े ट्रांजेक्शन, इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन होना चाहिए, बट साल भर में आप 2 या 3 ट्रांजेक्शन करते हो जहां पे आप अप्रूवल मिला तो ले लो,
नहीं तो वापस कर दो, ऐसा कर दो, तो उसके लिए सेपरेट बुक मेंटेन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। याद है मैंने आपको बीकॉम का बताया था, ट्वेल्थ में आपने सेपरेट बुक्स मेंटेन किए थे क्योंकि आप उतना क्वांटिटी लिखते थे, बाद में आप क्या बीकॉम में आ गए, बीकॉम में आपने भले ही पहले दिन बुक्स मेंटेन किए, आपने सोचा कि हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक, हमेशा स्टाइल से, बट एक बुक भी कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में वही बुक एस वाई में, वही बुक टी वाई में, पेज पलट पलट के पीछे, यहां पे अकाउंट लिखा तो पीछे के पेज पे क्या लॉ मैनेजमेंट ऐसा कुछ मैं भी वहां पर लिख देते हैं, जो लेक्चर का सिक्वेंस, अपना कोई सिक्वेंस नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में वहां पे क्या हो गया, वो बीकॉम तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आपके बच्चों को दे सकते हो उनके बीकॉम के लिए, बराबर, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है ट्रांजेक्शन का, तो लिखेंगे अलग अलग बुक मेंटेन करके क्या फायदा, जब वॉल्यूम है, बराबर। अभी आप सीए के लिए देखते हो, ठीक है, तो अकाउंट के लिए अपनी बुक मेंटेन की होगी, वो कंप्लीट होगी, आई एम श्योर, ठीक है, वो कंप्लीट होगी। रेगुलर बैच में तो तीन चार लगता है, आपके बैच में भी वहां पे दो तो लग ही जाएंगे मुझे लगता है, नॉट श्योर, बट वहां पे क्या है कि हमने सेपरेट बुक मेंटेन की और एक बुक मेंटेन की, क्योंकि ट्रांजैक्शंस और वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम ही ज्यादा नहीं है तो सेपरेट बुक का क्या सेंस बनता है? तो तीन ट्रांजेक्शन के लिए मैं सेपरेट बुक्स मेंटेन करूं ठीक लगता है? नहीं। 10-15 ट्रांजेक्शन के लिए भी ठीक नहीं लगता, हाँ वहां पे 200,000 कुछ ट्रांजेक्शन हो तो मैं सेपरेट बुक मेंटेन करूं, समझाया? तो यहां पे क्वेश्चन ही आता, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपके यहां पे ये ट्रांजेक्शन रेगुलर बेसिस पे होते हैं या नहीं। अगर रेगुलर बेसिस पे होते हैं तो सेपरेट बुक, सेपरेट बुक मतलब क्या, अपने मेन बुक अलग और वो बुक अलग, सेल ऑन अप्रूवल की बुक अलग और अपने जो रेगुलर बुक चल रहे हैं ना, जहां पे सेल लिखते हैं, जहां पे एक्सपेंसेस लिखते हैं, वो बुक अलग, वो अकाउंट्स अलग, आज समझ में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, पहले तो आप गुड्स क्या करोगे, भेजोगे, क्या पसंद आ गया तो रख लेंगे, वो रख लेंगे मतलब सेल हो जाएगा, नहीं पसंद आया तो रिटर्न आ जाएगा। तो जब मैंने गुड्स भेजे उस वक्त सेल किए नहीं किए, भेजे तब सेल नहीं हुआ है, तो सेल कब होता है, या तो अप्रूवल मिल गया, या फिर दूसरा उसको जो टाइम दिया था 15 दिन का वो टाइम खत्म हो गया, या फिर तीसरा उसने वही गुड्स आगे किसी और को सेल कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया ना गुड्स, तीन गुड्स में सेल हो गया मान लेते, पहला क्या अप्रूवल दे दिया, दूसरा उसने रिटर्न नहीं किया टाइम पे, और तीसरा क्या सेल आगे उसने आगे किसी और को सेल कर दिया। तीन केस में हम सेल ऑन अप्रूवल बेसिस मानते, मतलब सेल हो गया मानते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का, कोई डाउट है? नहीं, पक्का। उसके बाद में अभी अगला क्वेश्चन जो आता है, वो क्वेश्चन अरे लिखो ना, ऐसे देख रहे जैसे कि वहां पे सामने कोई मतलब डांस चल रहा है या, हाँ ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो साथ में लिखते जाओगे तो एडिशनल मुझे आपको टाइम देना नहीं पड़ेगा, ये लिखने के लिए टाइम नहीं जाएगा अपना। लिखा फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स आर नॉट फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स नहीं है, कैजुअली, कैजुअली मतलब क्या, कभी कभी, मतलब वो उसका रेगुलर काम नहीं है, कभी कभी वो भेज देता है, राइट। अभी ध्यान देना, फ्रिक्वेंट ऑब्लिक रेगुलर ट्रांजेक्शन है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
राइट, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब क्या, वो सेल ऑन अप्रूवल के लिए जर्नल अलग मेंटेन होगा, लेजर अलग मेंटेन होगा, समझ में आया, उसका जर्नल लेजर अलग मेंटेन होगा. या फिर जर्नल का मतलब क्या, वो जो बुक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते थे 11 में, जर्नल मेंटेन करने के बजाय क्या करते थे, बुक्स मेंटेन करते थे, सब्सिडी बुक्स. तो वैसा एक बुक मेंटेन होगा जहां पे लिखा जाएगा कितने के गुड्स गए, कितने गुड्स आए, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे. सेपरेट सेट ऑफ बुक्स उसे कहा जाएगा. सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मतलब सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे जिसका मेन अकाउंट्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक से सुनो. ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलर बुक्स, बराबर है, आपके जो रेगुलर बुक्स है जिसमें क्या लिखा जाता है, बोलो, जिसमें क्या लिखा जाता है, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में सभी सेल्स की एंट्री, परचेज, मतलब जो अपने चल रहे वो चल रहा है. और दूसरा, दूसरे मेमोरेंडम बुक्स, याद है मेमोरेंडम बुक्स क्या होते हैं, मेमोरेंडम बुक्स जो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए जाते हैं, जो अपने रेगुलर जो डबल एंट्री करके जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है. मेमोरेंडम बुक्स फॉर सेल ऑन अप्रूवल, ध्यान देना, ये दो बुक है. और याद रखना ये जो बीच में है, ये जो बीच में है वो है अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार. क्या है, अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार, मतलब क्या, टूटती नहीं है कंप्लीटली, एक बार बनाई तो टूटेगी नहीं. मतलब यहां से कोई इफेक्ट यहां पे नहीं जाएगा, यहां से कोई इफेक्ट यहां पे नहीं आएगा. ठीक है, वो बीच में दीवार जो है वो कौन सी है, लिखो, अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार. राइट, हाँ, तो ये जो है वो सीमेंट से बनी दीवार नहीं, यहां से कोई इफेक्ट वहां पे नहीं जाएगा, वहां से कोई डिबेट इफेक्ट यहां पे नहीं आएगा. मतलब दोनों कंप्लीटली अलग है. मतलब एक कस्टमर को, ध्यान दो, एक कस्टमर को मैंने सेल ऑन अप्रूवल पे गुड्स भेजे, एक कस्टमर को मैंने सेल ऑन अप्रूवल पे गुड्स भेजे, ध्यान देना, तो मैं भेजे गुड्स मैं एंट्री कहां पे करूं, मेमोरेंडम बुक्स में करूं या रेगुलर बुक्स में, मेमोरेंडम, क्योंकि उसके लिए सेपरेट बुक्स है ना भाई, तो वहां पे एक कस्टमर अकाउंट बनेगा. लेकिन जब वो गुड्स परचेस करेगा, मतलब एक्चुअल सेल हो जाएगा, तो उसकी एंट्री कहां पे आनी चाहिए, मेन बुक में. मतलब वो कस्टमर की दो जगह पे अकाउंट बन रहा है, एक तो सेपरेट बुक में भी अकाउंट बन रहा है और रेगुलर बुक में भी अकाउंट बन रहा है. क्यों, क्योंकि जब तक वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है तब तक उसकी एंट्री कहां पे आएगी, मेमोरेंडम बुक में. और जब वो सेल हो जाएगा तो उसकी एंट्री कहां पे आ जाएगी, मेन बुक्स में आ जाएगी. सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेन बुक्स में एंट्री तब आएगी जब वो सेल बन जाएगा. अभी वो कैसे, अभी वो कैसे, ध्यान देना, गुड्स सेंट, पहले क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, एंट्री कहां पे आएगी, मेमोरेंडम बुक में, गुड्स सेंट. अभी आप बोलो मुझे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, हुज रिसीवर, कस्टमर, कस्टमर अकाउंट डेबिट, करेक्ट है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न बेसिस अकाउंट, नाम अलग अलग हो सकता है, या सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न अकाउंट. क्लियर, तो ये मैंने लिख दिया सेल ऑन अप्रूवल में. क्लियर, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सेल और रिटर्न अकाउंट. दूसरा, अभी गुड्स वापस आ गए, वापस आ गए, सेल जैसे एंट्री हो गई ना, कस्टमर टू सेल करते थे उसके जगह क्या किया, कस्टमर टू सेल ऑन अप्रूवल, सिर्फ सेपरेट बुक में किया, गुड्स वापस आ गए, गुड्स रिटर्न, बोलो क्या करूं, मेन बुक में एंट्री कर दूं, नहीं अभी तक वो सेल ऑन सेल हुआ ही नहीं ना, तो बोलो, अब बोलो ना, टू, बोलो, हो गया गुड्स रिटर्न. अभी अगला मेन पॉइंट आता है, अगर उन्होंने गुड्स सच में परचेस किए, उन्होंने बोल दिया कि हाँ, क्या बोल दिया, हाँ, उम्मीद है कि नहीं, हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ,
उन्होंने बोल दिया हाँ, ठीक है, जिसके लिए हमने दिया था गुड्स, ठीक है, तो ऐसी केस में उन्होंने हाँ बोल दिया तो अभी ध्यान दो, नाउ इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम सेल ऑन अप्रूवल टू सेल, सेल ऑन अप्रूवल से सेल में आ गया ना, तो सबसे पहले अभी सेल की एंट्री मेन बुक में जानी चाहिए, सेल की एंट्री ये रेगुलर बुक्स में जानी चाहिए ना, सेल हो गया तो अभी, ठीक है, बट थिंग इज दैट सेल ऑन अप्रूवल खत्म हो गया और सेल हो गया, समझ आ गया, सेल ऑन अप्रूवल खत्म हो गया और सेल हो गया, क्या करोगे, पहले क्या करोगे, मेमोरेंडम बुक में जाओगे और वो एंट्री रिवर्स कर दोगे, क्यों, या तो सेल होगा, देखो सेल हो गया रिटर्न आ जाएगा या फिर सेल होगा, कुछ भी हो जाए सेल ऑन अप्रूवल तो खत्म हो गया ना, तो पहले रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी ताकि सेल ऑन अप्रूवल में से उसका इफेक्ट हट जाए और बाद में नए से सेल सेल रेगुलर बुक में जाओ और सेल की एंट्री पास कर दो, मतलब गुड्स सोल्ड, अगर गुड्स सेल होते तो बोलो, बाद में कहां पे जाओगे, रेगुलर बुक्स पे, देखो मैंने क्या किया, यहां का कस्टमर अलग और मेन बुक में कस्टमर अकाउंट अलग, ये दो चीज है, नहीं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि सर यहां पे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को डेबिट दे दिया और कस्टमर को क्रेडिट दे दिया, ठीक है, और बाद में दूसरी जगह पे जाके कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल करेंगे, तो उससे बेटर है कि कस्टमर को कुछ भी मत करो, पहले डेबिट देकर रखा है, बट पहले डेबिट कहां पे दिया, कहां पे दिया, मेमोरेंडम बुक में, वो अकाउंट अलग, अंबुजा सीमेंट याद है ना दीवार, ठीक है, दोनों कंप्लीटली अलग है, वहां पे जो अकाउंट है वो अलग है, यहाँ पे जो अकाउंट है वो अलग है, रेगुलर बुक्स में भी वो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि रेगुलर बुक्स में आपको सेल पता चलता है उनको सेल कितने की है और कितने पैसे आने बाकी है, ठीक है, और मेमोरेंडम बुक में पैसे कितने आने बाकी है ये पता नहीं चलता है, सिर्फ गुड्स देखने के लिए कितने दिए ये पता चलता है, कस्टमर के पास गुड्स देखने के लिए दिए थे वो कितने है, और एक बार वो सेल हो गया तो हम किस में डालते हैं, रेगुलर बुक में कस्टमर में, तो सेल हो गया मतलब पैसे आने बाकी है, ठीक है, तो एंट्री बोलो रेगुलर बुक में, मैं दिखाने के लिए एरो दिखाता हूं क्योंकि हम ये एंट्री करके यहां पे आते हैं, कनेक्शन नहीं है दोनों का, तो बोलो एंट्री फॉर सेल, बोलो बोलो ना, आता है सबको बट बोलेंगे नहीं, सबके पास है लेकिन दिखाता कोई नहीं, कहां पे सुना है, थ्री इडियट्स, तो कोई डाउट, डन, ये हो गया सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अगर प्रॉपर बुक्स आपने मेंटेन किए तो, ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप क्या करो, सिर्फ वो बुक स्टाइल में मेंटेन करो, कितने गुड्स आ गए कितने गुड्स चले गए वो भी हम वहां पे आगे देखेंगे, बट ये समझ में आ गया, बुक्स मेंटेन किए तो, और बुक्स अलग से मेंटेन नहीं किए तो ध्यान दो कुछ तो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सेम बुक में, अभी सेम बुक में हम सेल ऑन अप्रूवल अकाउंट नहीं बनाएंगे, ध्यान दो जो सेल ऑन अप्रूवल हुआ है दिया है उसे हम तब तक के लिए सेल मान के चलेंगे, समझ आ गया, नया अकाउंट कुछ बनाने की जरूरत नहीं, तब तक के लिए सेल मानो, मतलब क्या होगा, मैंने उसे गुड्स दे दिए, किस लिए दिया बोलो, सभी बोलेंगे किस लिए दिया, सेल करने के लिए, मतलब सेल ही होना है ना उसमें, अप्रूवल के लिए दे दिए, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, सेल ही होगा, तो अभी मैं सेल में लिख देता हूं अगर उसने अप्रूव किया तो लिखने की जरूरत ही नहीं, अभी मैं सेल में लिख देता हूं अगर उसने अप्रूव किया तो क्या लिखने की जरूरत ही नहीं, अगर उसने अप्रूव नहीं किया गुड्स वापस आ गए तो उल्टा करूंगा एंट्री, सेल्स रिटर्न नहीं रिवर्स एंट्री, क्योंकि सेल होके जो वापस आता है वो सेल्स रिटर्न, ये सेल ही नहीं हुआ है, तो मैंने भेजते वक्त क्या करूंगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, और बाद में अगर गुड्स रिटर्न आ गए तो सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, और अगर सेल हो गए गुड्स तो कुछ नहीं करनी जरूरत नहीं, रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री पास करके रखी है उस अकाउंट में, ठीक है, अभी यहां पे अभी अब यहां पे कंफ्यूजन कहां पे स्टार्ट होता है, बाकी तो आसान है, पहला क्या, जब गुड्स भेजे क्या मानेंगे, सेल मानेंगे, एंट्री बोलो
कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट है? वो इसी का थोड़ा सा बढ़ा दो ना, मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत वैसे भी आज ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है, और बाकी किसी को चाहिए तो फैन लगा सकते हो आप, अगर थोड़ा सा गर्म हो जाए तो नहीं आप, हाँ यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया। आगे पहले सेल मानेंगे, एंट्री क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसके बाद में गुड्स अगर रिटर्न आ गए तो सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, गुड्स अगर बेच दिए तो सच में उन्होंने ले लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सेल की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। और गुड्स ऐसा सिचुएशन, लास्ट वाला मेन याद रखना, गुड्स भेजे 25 मार्च को, गुड्स कब भेजे बोलो, 25 मार्च को, और उससे बोला कि तुम्हें टाइम 15 दिन का है, मतलब 10 अप्रैल तक बताओ मुझे गुड्स लोगे या नहीं लोगे। तो मैंने इमीडिएटली एंट्री क्या कर दी 25 मार्च को, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 31 मार्च तक उसका कोई रिप्लाई आया नहीं, और रिप्लाई एक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको तारीख कौन सी दी है, 10। अभी क्या माने, सेल हुआ माने या नहीं हुआ माने, क्या अभी तो सेल हुआ ही नहीं ना, क्यों, 10 तारीख के अंदर, 10 अप्रैल के अंदर, 31 मार्च को हमें सोचना है, 10 तारीख के अंदर, अगले 10 तारीख के अंदर क्या कर सकते हैं, गुड्स वापस भी तो कर सकता है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसी केस में क्या किया जाए, 25 तारीख को एंट्री करके रखी, एंट्री तो करके रखनी चाहिए, रीजन क्या, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे, एक बार रिवर्स नहीं हुई तो भी चलता है, क्योंकि वो आके बोलेगा गुड्स वापस दिए थे उतना रिवर्स कर दो, बट एक बार हम भूल गए उसको अप्रूवल पे गुड्स दिए और बाद में उसने कुछ बोला नहीं तो वो गुड्स गए, समझा गया। तो एंट्री तो उसी दिन करके रखूंगा 25 तारीख को, मान लो एंट्री करके रखी है और 31 तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, और आपने क्या किया 25 तारीख को वो गुड्स कहां पे डाल दिए, सेल्स में, तो 31 तारीख को जो सेल्स अकाउंट का बैलेंस है वो सही दिख रहा है या गलत दिख रहा है, गलत, क्योंकि उसमें ऐसे भी आइटम डाले जो सेल है ही नहीं, तो 31 मार्च में मैं क्या करूं, रिवर्स एंट्री, ताकि वो सेल से निकल जाए, तो एंट्री कर दी यस सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल से उतना निकला, बट वो गुड्स कहीं पे तो दिखने चाहिए ना, अपने गुड्स है ना, किसके पास है, कस्टमर के पास है, कभी भी याद रखना अपने गुड्स कौन से होते हैं, जिसकी ओनरशिप हमारे पास है वो अपने गुड्स, वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाए जाते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अपने बच्चे है, भले दूसरों के पास है बट अपने ही है ना, समझ में आ गया, मतलब बाजू वाले के पास जाके बैठे, मतलब वो बाजू वाले के हो गए, खेल रहे उनके घर पे, मतलब उनके हो गए नहीं हुए, याद रखना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अपने बच्चे है, अगर वो बाजू वाले के पास जाके बैठते हैं मतलब उनके हो गए, ऐसा मत मानो, कंसाइनमेंट में आता है ये, ओके, बाद में फाइनल अकाउंट में आता है, हर बार आता है कि अपने गुड्स कौन से, ठीक है, जो अपने ओनरशिप में वो अपने गुड्स, समझ आ गया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसाइनी को जो गुड्स दिए है बेचे नहीं है, ठीक है, वो अपने गुड्स है, उसके पास है मतलब उसके हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो याद रहेगा क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि अपने बच्चे, ठीक है, वो दूसरों के पास हो, कोई डाउट है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, हाँ ठीक है। तो ओके, वो बच्चे अपने ही है भले वो दूसरों के पास है, तो जब ओनरशिप अपने पास होती है गुड्स की तो वो अपने क्लोजिंग स्टॉक है, अपने क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए, इवन दो पोजिशन इज विथ अदर्स, पोजीशन इज विथ अदर्स, वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए। अभी ये जो है, ये जो अपना बच्चा है, कौन सा, सेल ऑन अप्रूवल वाला, ठीक है, बहुत बच्चे है, हाँ ठीक है, तो चलो आपको फीलिंग देता हूँ, बाद में जो फीलिंग आने वाले वो अभी देता हूँ, हाँ ठीक है, चल ये जो सेल ऑन अप्रूवल वाला जो है, ओके, वो अपने बच्चे हैं, अभी किसके पास है, कस्टमर, ठीक है, अभी किसके पास है, कस्टमर, तो हमें उसे कहां पर दिखाना चाहिए, अपने क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, या उसके लिए दूसरा नाम दे दो, क्लोजिंग स्टॉक में डाल दो या दूसरा नाम दे दो, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आप कहां पे लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिख सकते हो, गुड्स विद कस्टमर, और एसेट साइड पे क्या, जैसे क्लोजिंग स्टॉक जैसा ही, सिर्फ नाम चेंज कर सकते हो, बराबर, उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ नाम चेंज कर सकते हो, उसे क्या कहो, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट। मतलब आपने क्या किया, सेल से निकाल दिया उसे, ठीक है, समझ में आ गया, सेल से निकाल दिया क्योंकि वो सेल हुआ ही नहीं, और उसे कहां पर डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक, या फिर उसको नाम क्या दे दिया, सेल ऑन अप्रैल, उसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग को क्रेडिट जाएगा और गुड्स विद कस्टमर अपने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट जाएगा, ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हाँ है ना, यस, ताकि वो जो स्टॉक उनके पास पड़ा है वो अपने स्टॉक में दिखाई दे, क्योंकि अभी अभी भी अपना स्टॉक है, सेल नहीं हुआ है,
अरे समझ में कोई डाउट है, कोई शक? नो? ठीक है, तो यहां पे मुझे बताओ क्या क्या करना है. अभी आप मुझे बताओगे, बोलो पहले मेन गुड्स बोलो. कस्टमर अकाउंट डेबिट टू when goods send आगे when हाँ when goods return आगे बोलो. व्हेन गुड्स बोलो सोल्ड बोलो. नो एंट्री, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है. टिल ईयर एंड, अगर अप्रूवल ही नहीं मिला तो सबसे पहले क्या करोगे? रिवर्स सेल. अब आदमी उसे क्लोजिंग स्टॉक में डाल दो. और ये कौन से प्राइस पे? सेलिंग प्राइस पे पहले लिखा था ना, तो सेलिंग प्राइस पे रिवर्स होते. एंट्री बोलो. आगे बोलो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड गुड्स इन क्लोजिंग क्लोजिंग हाँ क्लोजिंग स्टॉक. तो बोलो कैसे क्लोजिंग हाँ बोलो. हाँ आता नहीं किसी को भी. गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट एट कॉस्ट प्राइस, याद रखना इसमें हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस, पता है ना? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लेस, तो सेल प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगी. ठीक है, टू टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर. डन. Good out. बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक बुक टाइप में लाइक ऐसा मेंटेन कर पर्टिकुलर गुड सेंड, मतलब कॉलम बना सकते हैं. देखिए कॉलमनर फॉर्मेट में भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्ड मेंटेन कितना गुड सेंड कितना है, अमाउंट गुड्स रिसीव्ड कितना है, बाद में गुड्स सेल्ड सोल्ड और बैलेंस. ऐसा भी जैसे भी हम क्या कहते थे फीफो में, सॉरी इन्वेंट्री में आपने देखा होगा कि गुड्स रिसीव्ड, वो टेबल देखा ना, रिसीव्ड होता है, बाद में क्या इश्यूड, ठीक, बाद में क्या था बैलेंस. तो उस तरह का भी हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एक बुक टाइप में बना सकते हैं.
क्लियर? तो ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देख लो, कंसेप्ट इतना ही है। हाँ, एक बात याद रखना इस कंसेप्ट में, कॉस्ट प्राइस पे, इसे किस पे लाना है? कॉस्ट प्राइस पे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कॉस्ट प्राइस पे कैसे लाया जाए, कॉस्ट प्राइस पे कैसे लाया जाए। ध्यान दो, आपको आपको प्रॉब्लम में ऐसा बताया जाता है, गुड्स आर सोल्ड, ध्यान दो सभी, गुड्स आर सोल्ड, सभी लोग ध्यान देंगे, आपको आता भी होगा ये परसेंटेज चेंज करना, ठीक है, बट आता है नहीं आता है मुझे पता नहीं, तो इस वजह से मैं अभी इंट्रोडक्शन दूंगा और बाद में ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ये कंसाइनमेंट में यूज होता है, फाइनल अकाउंट्स में यूज होता है, इन्वेंटरी में यूज होता है, ठीक है। सो गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, राइट, कॉस्ट प्लस 25% ऐसा बताया जाता है, लेकिन लेकिन मुझे 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 उस गुड्स की सेल प्राइस पता होती है, बाबे मतलब उन्होंने क्या बोला, कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मैंने निकाल दिया तो कॉस्ट प्राइस मिलेगी, क्योंकि मुझे सेल प्राइस पता है। प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या पता है, सेल प्राइस, सेल में से मैं प्रॉफिट निकाल दूंगा तो दूंगा तो क्या पता चलिए, कॉस्ट प्राइस मुझे यहां पे किस पे लिखना है, इस एंट्री में किस पे लिखना है, कॉस्ट प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है, बट वो कॉस्ट प्राइस बता रहे नहीं, और एज वेल एज वो एज वेल एज वहां पे सेल प्राइस दियो तो सेल प्राइस के ऊपर कितने परसेंटेज जीपी है ये नहीं बताते। जीपी किस पे बताए, कॉस्ट प्राइस पे, पता पता क्या है, सेल प्राइस, तो जो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज है वही मैंने सेल प्राइस को लगाया तो चलेगा नहीं। कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 के ऊपर 25% प्रॉफिट है, मतलब कितना होता है 125, 25, देखो मैंने याद रखना 100 रुपीज यहां पर लिख देता हूं, 100 रुपीज कॉस्ट है, बराबर, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कितना आता है 125 सेल प्राइस, बराबर, ये 25% किसके ऊपर है बोलो, ये 25% किस पे, कॉस्ट पे, यही 25% 125 पे लगा के दिखाओ कितना आता है, समझा गया मैं क्या बोल रहा हूं, 125 के ऊपर 125 इज इक्वल टू 125, करेक्ट है, अभी ये 25% निकाले मैंने कॉस्ट पे, वही 25% सेल प्राइस पे निकाल के दिखाओ कितना आता है, 125 पे 25% 31.25, मतलब मुझे क्या कहना है, 25% अगर अपने कॉस्ट पे लगाए तो 25 आंसर आ गया, और 25% मैंने सेल पे लगाए तो आंसर आ गया 31.5, मतलब मुझे यह बताना है कि जो 25% कॉस्ट पे है वही 25% सेल पे लगाए तो उस केस में आंसर कभी सेम नहीं आता है, मतलब इसका मतलब क्या बनता है, अगर कॉस्ट पे 25% दिए हो तो इक्वल अमाउंट लाने के लिए सेल पे कुछ तो भी अलग परसेंटेज होंगे। एक सिंपल सिंपल वर्ड्स में बोलू तो आपको जो वैल्यू दी है ना उसके ऊपर के परसेंटेज चाहिए, मुझे कॉस्ट प्राइस दी, कॉस्ट प्राइस पता है और प्रॉफिट निकालना है तो परसेंटेज किसके ऊपर चाहिए, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और मुझे सेल प्राइस पता है तो मुझे परसेंटेज भी किसके ऊपर चाहिए, सेल के ऊपर, बट इंस्टीट्यूट तो ऐसे आसानी से नहीं मानेंगे, इंस्टीट्यूट क्या बोलेगी, हम आपको सेल प्राइस देंगे लेकिन परसेंटेज कॉस्ट का देंगे, समझ आ गया, ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक है, सेल वैल्यू देंगे लेकिन परसेंटेज कॉस्ट का देंगे, कॉस्ट मतलब छोटी, ठीक है, कॉस्ट मतलब वहां पे क्या कि अमाउंट छोटी, अमाउंट छोटी है उसके ऊपर का परसेंटेज उन्होंने दे दिया, ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि उन्होंने कॉस्ट के जो कपड़े है वो दे दिए, ठीक है, लेकिन बड़ा जो है सेल उसके कपड़े नहीं दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो परसेंटेज है उसको थोड़ा सा अल्टरेशन करना पड़ेगा ना, और वो किसको फिट करना पड़ेगा, सेल को, ऐसे यहां से निकाल के वहां पर डाल दिया ऐसा नहीं कर सकते, समझा गया, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब अगर सेल वैल्यू दिए तो परसेंटेज भी क्या, अगर सेल वैल्यू दिए तो परसेंटेज भी क्या बोलो, सेल के ऊपर ही चाहिए, सिंपल बात है, कॉस्ट प्राइस दिए तो परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर चाहिए, तभी जाके करेक्ट जीपी मिलेगा, आ जाओ समझ में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से अभी यहां पर ध्यान देना, अभी यहां पर ध्यान देना, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना, अगर कॉस्ट 100 है मान लो और कॉस्ट के ऊपर उन्होंने बोला है 50%, कॉस्ट 100 है, बराबर, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है 50%, मतलब कितना आता है 50, तो सेल प्राइस कितनी आती है 150, बराबर, ये 50 कॉस्ट के ऊपर कितने है 50%,
और यही 50 सेल प्राइस के ऊपर 50% है क्या? नहीं है। तो कितने है? 1/3 है। 1/3 मतलब कितना परसेंटेज हो गया? 100 का 1/3 परसेंटेज 100 में निकलते हैं ना हमेशा, ठीक है ना? 33.33%। बाबा मतलब इस तरह से एक टेबल, मतलब ये आप कैलकुलेशन जो अभी मैंने किया वो कैलकुलेशन एग्जाम में कर सकते हो, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ये परसेंटेज आपको याद ही होनी चाहिए। और याद कैसे देंगे आगे देख लेते हैं। अब यह देखो फिर से 100 है, ठीक है, उसमें क्या 25% है, कितना आता है 125। ये 25 कॉस्ट के ऊपर कितने है 25%, और ये 25, ये 25 125 के ऊपर कितने है? देखो 125 का 10% कितना है 12.5, और 20% कितना है 25, तो 20% हो गया ना, आगे समझे 20% हो गया। अभी ये सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है, इस वजह से याद रखना, मैं आपको टेबल बना के देता हूँ, लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस ये कैलकुलेशन करके ही निकाला है, सिर्फ आपके सामने टेबल दे रहा हूँ। कॉस्ट के ऊपर अगर 100% हो तो सेल के ऊपर वही 50 होते, कॉस्ट के ऊपर 50 हो तो 33.33%, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 33.33% हो तो सेल के ऊपर 25%, कॉस्ट के ऊपर 25% हो 20%, कॉस्ट के ऊपर 20% हो तो 6-7% ये है। मतलब कुछ लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा, ध्यान दो, कुछ लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा, अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 1 है तो सेल प्राइस के ऊपर 1/2, अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 1/2 है तो 1/3, 33.33% इज 1/3 ऑफ 100%। तो 1/3 बोलो या 33.33% बोलो, इट्स योर चॉइस। बट मैक्सिमम केस में आपको जो क्वेश्चन आता है वो परसेंटेज में आता है, 25%, 33.33%, ठीक है, मैक्सिमम केस में ऐसा आता है 20%। तो इस वजह से मैं दोनों स्टाइल में आपको बोल रहा हूँ। बाद में क्या आता है, अगर कॉस्ट के ऊपर 1/3 हो तो सेल्स के ऊपर 1/4, अगर कॉस्ट के ऊपर वही मीनिंग है, सिर्फ अलग तरीके से बोल रहा हूँ, 1/5 का क्या हो जाएगा 1/6, 1/10 मान लो तो कितना आ जाएगा 1/11, ये चलता जाएगा। अब एक ध्यान दो, ध्यान दो, आपने मुझे लॉजिक बता देता हूं, आपने मुझे 200 दिए थे, 200 रुपए दिए थे, सिर्फ मानना है, दिए नहीं है, मांगना मत बाद में, ठीक है। तो 200 रुपए दिए, उसमें से मैंने आपको 40 रुपए वापस कर दिए, कितने परसेंट वापस किए? 40 रुपए वापस किए उसमें से मैंने आपको, परसेंट कितने? 20% वापस किए, 20% इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैंने उसमें से, या दूसरा बहुत सिंपल, 200 में से मैंने 20 वापस किए, 10% वापस किए, 10% वापस किए, लेकिन मैंने बेस चेंज किया, बेस क्या चेंज किया, नहीं 200 नहीं दिए आपने मुझे, 100 दिए और उसमें से 20 मैंने वापस किए, 20%, मतलब बेस चेंज हो गया ना। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस क्या है? बेस है। अगर बेस चेंज करते तो परसेंटेज भी चेंज होने चाहिए ना, और परसेंटेज कब ज्यादा है कब कम है ये सोचो। अमाउंट जब ज्यादा थी 200 तो उसका 20 कितना था? 10%। और अमाउंट जब कम हुई 100 उसका 20 कितना हो गया? 20%। मतलब अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम होता है, 200 के ऊपर 20 10% है ना, और 100 के ऊपर 20 कितने हैं? 10%। अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम होता है, और अमाउंट अगर कम हो बेस अमाउंट उसके ऊपर परसेंटेज निकाल रहे हो सेम अमाउंट के तो परसेंटेज ज्यादा निकलते हैं। तो अभी आप मुझे बताओ सेल वैल्यू बड़ी होती है या कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है? सेल प्राइस, बराबर। तो सेल प्राइस के ऊपर परसेंटेज ज्यादा, सेल वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है ना, तो सेल प्राइस के ऊपर परसेंटेज ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए? कम आनी चाहिए, समझ में आया। और कॉस्ट प्राइस कम होती है तो उसके ऊपर बेस कम है तो उसके ऊपर वो अमाउंट का हम कैलकुलेशन करें तो परसेंटेज ज्यादा दिखने चाहिए सेम अमाउंट के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सेल वैल्यू ज्यादा तो उसके ऊपर परसेंटेज कंपैरिजन में कम दिखता है उसी प्रॉफिट के, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कम होती है तो परसेंटेज ज्यादा दिखता है। तो आपको याद रखना है, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा। क्या बोलना है? अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, फास्ट बोलना है, बोलो। अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, ऐसा स्पीड आना चाहिए। हाँ, हो गया, हाँ नहीं, बोलो क्या? अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा। मतलब ध्यान दो, ये आपको स्टेप्स समझ लो, 100 उसके बाद में क्या आता है 50,
50%, उसके बाद में क्या आता है 33.33%, उसके नीचे क्या आता है 25, उसके नीचे क्या आता है 20, उसके नीचे क्या आता है 16.67%। ठीक है, आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% है, कॉस्ट प्राइस कम होती है तो परसेंटेज ज्यादा दिख रहे होंगे 25%, तो वो सेल वैल्यू पे कितने होंगे, सेल वैल्यू ज्यादा है तो परसेंटेज कम दिखने चाहिए, तो 25 से कम कितने है 20, 20 है ना 25 से कम, ठीक है तो 20% आ गया। उल्टा बताया होगा, नहीं उन्होंने बोला सेल प्राइस के ऊपर परसेंटेज है मान लो 33.33%। ठीक है, समझा गया, सेल क्या होती है ज्यादा होती है, परसेंटेज क्या दिख रहा है कम दिख रहा है, आपको किसमें निकालना है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे परसेंटेज क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो 33.33% से ज्यादा कितना है 50। ये स्टेप्स है 150, ओके मैं आपको शॉर्टकट यहां पे बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठना ही चाहिए, कैलकुलेशन हर बार करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में, समझ में आ गया, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हो, ओके कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा जैसा मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, ये 25 रुपए 100 रुपए के, मान लो कॉस्ट 100 रुपए और 100 रुपए के ऊपर 25% है ना, तो 25 रुपए, ये 25 रुपए 100 रुपए के 25% है, तो यही 25 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट सेल प्राइस का कितना है 125 का, तो 25/125×100 करके देखो, 25/125×100 करके देखो 20%, तो कैलकुलेशन करके भी आ सकता है, बट इतना टाइम कौन दे, इतना दिमाग कौन लगाए, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो वो हमेशा के लिए बैठ गया, याद है ना, ठीक है। और इसी जगह पे आपको अगर 1/2 1/3 हो तो 50% मतलब कितना होता है हाफ, 1/2, 33.33% कितना होता है 1/3, बाद में 25% कितना होता है 1/4, बाद में 20% कितना होता है 1/5, 16.67% कितना होता है 1/6, समझ में आया, उसकी जगह पे वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी वही लगता है अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, उसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है 1/6 बड़ा है या 1/7 बड़ा है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को अचानक से पूछा तो, ठीक है 1/6 बड़ा है या 1/7 बड़ा है, 1/6 बड़ा ना, मतलब क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना वो वैल्यू बड़ी होगी, मैथ्स में अपने शायद से वो पढ़ा होगा, क्लियर। तो कहना यहां पे ये है कि वो वैसे भी सोच सकते हो, आपको कन्वीनियंट लगता है कि नहीं 1/6 उस तरह से जाना है तो उस तरह से जाओ, ठीक है, बट पर्सनली मैं पढ़ाते हूँ परसेंटेज में पढ़ाता हूँ, उसका रीजन क्या है क्योंकि मैक्सिमम केस में अमाउंट जो आते हैं ना कैलकुलेशन के लिए वो परसेंटेज में आते हैं, तो परसेंटेज को फिर से 1/3 1/4 में कन्वर्ट करो, सोचो उससे बड़े परसेंटेज याद रख लो ना, तो परसेंटेज के स्टेप बोलो, सबसे बड़ा क्या 100, बाद में 50, बाद में 33.33%, ये कॉमन जो आते हैं, बाद में क्या 25, बाद में क्या 20, बाद में 16.67, आपको बोला गया कि सेल के ऊपर 16.67% है, तो सेल ज्यादा है तो परसेंटेज कम दिख रहे होंगे, तो आप कॉस्ट पे आ जाओ, कॉस्ट क्या है कम, तो परसेंटेज 16.67% से ज्यादा कितने 20, अगला स्टेप पकड़ो, क्लियर, ये कैलकुलेशन करके भी आ सकता है जैसा मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया 25/125×100 करके देखो, बट उसके लिए नहीं बोले तो भी 3-4 मिनट जाएंगे ना कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ सकता है, तो फिर से बोलो स्टेप्स कौन से 100 50 33.33% 25 20 16.67, आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है किसके ऊपर दिया, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर दिया है तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज ज्यादा दिख रहे होंगे तो सेल के ऊपर उससे कम वाले, और सेल पे दिया हो तो सेल पे परसेंटेज कम दिख रहे होंगे तो कॉस्ट के ऊपर निकालने हो तो उससे थोड़े से ज्यादा, अगला स्टेप जो आता है, क्लियर। तो बेसिकली क्या रखना है, अमाउंट अगर ज्यादा हो परसेंटेज कम, अमाउंट अगर कम तो परसेंटेज ज्यादा, ठीक है, कोई बोलेगा कंटिन्यूसली 10 बार, मैं उसे कुछ तो 10 बार बोलना है कंटिन्यूसली, एक बार नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वैसे उस तरह से, हाँ 10 बार कंटिन्यूसली कोई बोल के दिखाएगा, है कोई अकाउंटिंग का लाल, हाँ हाँ अकाउंट का लाल, कोई बोलेगा 10 बार, चलो उससे मैं सिल्क दे दूंगा, सिल्क तुझे दूसरा कुछ चाहिए तो दूसरा दे दूंगा, वहां वो लड़की सर हम सिल्क नहीं, हमें वो खाने की बजाय कुछ पीने के लिए दे दो, मतलब हाँ थम्सअप हो गया ऐसा, तो तेरी वैसी ख्वाहिश है तो वैसा कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बोल रहे, कोई बोल रहे 10 बार कंटिन्यूसली,
स्पीड में बोलना है, अमाउंट अगर ज्यादा तो परसेंटेज कम, अमाउंट कम तो परसेंटेज ज्यादा ही है. नहीं आ, दस बार बोलना, एक बार नहीं. हाँ वो तो तुम्हारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. नहीं, हाँ. उसके लिए स्टैमिना लगता है, स्टैमिना. ठीक है तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर वन देख लो. कोई बोल रहा है लास्ट 10 बार? और अगर कोई 10 बार बोल रहा है, ठीक है, और यहां पे आके बोल रहा है, तो उसको तो और कोई तो बड़ा गिफ्ट दे दूंगा. हाँ कौन, क्या गिफ्ट? यहां पे 50, यहां पे 50 अप्रोक्सीमेटली बोला था मैंने, ठीक है, तो वहां पे 10 गुना हो, 500,000 का गिफ्ट दे दूंगा मैं. हाँ जो भी है, अभी तक सोचा नहीं, अचानक से आ गए ना वो सामने, ठीक है, तो क्या दूंगा वो पता नहीं, बट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उतनी होगी. हाँ अरे कोई यहां पे, चलो सभी लोग पीछे देख रहे हैं कौन आ रहा है. हाँ चलो, हाँ नहीं, हाँ वहां से भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो मैंने बोला कि वहां से बोलते हो तो आपको जो मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो बोलते हो उसमें फर्क तो रहेगा. हाँ बोलो, वहां से बोलना चाहते हो वहां से बोलो. हाँ पहले बार में खत्म कर दिया. ठीक है और कोई, अमाउंट ज्यादा तो परसेंटेज कम, परसेंटेज कम तो अमाउंट ज्यादा, ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है, तो वो गलती होगी. हाँ नहीं, मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि इसी बहाने आपने कम से कम दिमाग में 20 से 50 20 30 बार तो कम से कम सोचा होगा आपने, वो दिमाग में सोच लिया ना, अभी आपके दिमाग में फिट बैठ गया, ये मेरा टारगेट था, बाकी आपको गिफ्ट देना ये टारगेट नहीं था. मुझे पता है कोई बोल नहीं पाएगा, बट उसी बहाने कम से कम 20-50 बार तो सोच लोगे आप दिमाग में, ठीक है, और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा. ठीक है तो चलो, मतलब मैंने फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को ऐसा ही किया था, उनको अभी तक याद होगा. ठीक है तो जो मेरे पास थे पहले, ठीक है, उनका मैं बोल रहा हूँ. तो कहना ये मैं बोल के छोड़ देता तो ऐसे केस में आप क्या इमीडिएटली छोड़ देते, बट मैंने बोला कि नहीं चलो कौन बोलेगा कौन बोलेगा, उसी बीच में आपने 20-30 बार तो दिमाग में बोल दिया होगा. ठीक है तो चलो आगे, कैसे फंसाया. ऐसे पढ़ाना पड़ता है कंसेप्ट, ठीक है, नहीं पढ़ते ना तो इस तरह से पढ़ेंगे. हाँ तो अभी कोई कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, स्टेप्स याद है, 100, 50, 33.33%, 25, 20, 16.67%, उसी को आप 1/2, 1/3 उस तरह से भी कर सकते हो. क्लियर? तो देखो क्वेश्चन नंबर वन, सी सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016 September 15. Send goods to customer on sale or return basis at cost plus 33.33%. 33.13 मतलब क्या? 1/3 33 हो जाता है. 33.33% ₹1,00,000. उसमें से क्या हो गया? कितने गुड्स भेजे बोलो? कितने के भेजे? 1,00,000 ना. उसमें से गुड्स रिटर्न आ गए October 20 को, कितने? 40,000. बाद में November 25 को क्या हो गया? अप्रूवल दिया 20 का, और गुड्स विद कस्टमर जिसका अप्रूवल नहीं आया वो कितने? 20. सी रिकॉर्ड्स सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन एज ऑर्डिनरी सेल. अंडरलाइन करना क्यों? ऑर्डिनरी सेल मतलब क्या? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स या नहीं? नहीं है, सेम सेल्स अकाउंट में लिख रहा है. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी अज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोजेस ऑन 31st December 2016. बोलो चलो, इन द बुक्स ऑफ सी ई क्या?
पहला क्या है? सितंबर 15 लिखो, पहली एंट्री क्या बोलो यार, पहली एंट्री क्या? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या इसकी जगह पे दूसरा क्या लिखा जाता है? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वही कस्टमर कौन है? डेटर्स है ना, डेटर्स को दूसरा नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। तो कितना? 1 लाख। बोलो हाँ, अक्टूबर 20 को रिटर्न आ गया ना, बोलो सेल अकाउंट नरेशन आप लिख लेना, यहां पे नहीं लिखा तो भी चलता है, एग्जाम में नरेशन लिखना है ठीक है, टू कस्टमर अकाउंट कितना? ओके आगे बोलो क्या हुआ? नवंबर 25 तो क्या हो गया? लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया ना, मतलब सेल हो गया। सेल हो गया तो उसकी एंट्री क्या करनी है? नहीं करनी है। क्यों? ऑलरेडी 1 लाख की एंट्री की है ना, उसमें ही 40,000 ही है ठीक है, नो एंट्री रिक्वायर्ड। आगे ईयर एंड कब है? उनके पास कितना गुड्स पड़ा है? 20,000। 20,000 गुड्स पड़ा हुआ है, 20,000 गुड्स पड़ा हुआ है तो सेल में दिख रहा है ना, और इसका सेल हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो बोलो क्या करना है? सेल से निकाल दूं एंट्री? बोलो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्वेंटी थाउजेंड। अभी ये निकाला सेल से, कहां पे रखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक या गुड्स विद कस्टमर, कौन से प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी दी है? ध्यान दो, कॉस्ट प्लस 33.33% बोला है, कॉस्ट के ऊपर 33.33% बताया, बट मुझे कौन से प्राइस पता है? सेल प्राइस पता है 20,000। तो कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज, हमें किसके ऊपर चाहिए? सेल। सेल क्या होता है? ज्यादा अमाउंट। सेल के क्या होते हैं? ज्यादा। तो परसेंटेज कम, तो 33.33% कॉस्ट के ऊपर है, तो सेल के ऊपर कितने होंगे? 33.33% से कम वाला स्टेप कौन सा? 25%। तो उसकी कॉस्ट पे लिखा जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट हमने कमाया ही नहीं है, बेचे ही नहीं गुड्स। तो सेल गुड्स विद कस्टमर ऑब्लिक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू ए 15,000 वहां पे लिख देना। 25% कहां से आया? ओ किसका वजह? डन। क्वेश्चन नंबर टू क्या हुआ है? एस लिमिटेड वही है ना, सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। तो एक्चुअल सेल समझा है ठीक है, उसे एक्चुअल सेल समझा है। तो बोलो एक्चुअल सेल समझा है,
तो कितना सेल किया जस्ट बिफोर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2016, उससे पहले कितना, 200 सच गुड्स हैव बीन सेंड टू डीलर एट 250 ईच, कॉस्ट डायरेक्टली दी है, टेंशन नहीं है, समझ में आ गया। अदर टाइम पे क्या करना पड़ता था, हमें परसेंटेज चेंज करने पड़ते थे, फाइंड करना पड़ता था, ठीक है। अभी तो डायरेक्टली 200 दिए, तो 200 गुड्स बेचे 250 में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लिखो एंट्री क्या हो जाएगी, एक एक मिनट, एंट्री कौन सी पूछ रहे वो, ऑन सेल ऑफ बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिट कर दिया, मतलब वो एंट्री नहीं पूछ रहे। ऑफ दिस गुड्स ऑन 31 मार्च 2016, 50 वेयर रिटर्न एंड 70 वेयर सोल्ड व्हाइल द अदर गुड्स डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट येट एक्सपायर्ड, मतलब वो स्पेसिफिकली कौन सा पूछ रहे, ईयर एंड का, मतलब जब सेल हुआ वो नहीं पूछ रहे, लिखना हो तो लिख दो, ठीक है, बिफोर 31 मार्च ऊपर लिख देना, लिख दो, नहीं तो बाद में आपको समझेगा नहीं कि क्या हुआ, बिफोर 31 मार्च लिख दो, डेट क्या लिखोगे, बिफोर 31 मार्च, डेट एग्जैक्ट पता नहीं है ना, बिफोर 31 मार्च 2016 एंट्री, एंट्री बोलो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 200 into 250 कितना है, 50,000, कितना, 50 आ गया। दूसरा, मार्च 31 को गुड्स वापस आ गए, देखो अभी एक ध्यान देना, ध्यान देना, वो जो सेल्स से गुड्स वापस आ रहे ना, सेल्स से गुड्स वापस आ रहे, तो हम क्या करें, सेल्स अकाउंट डेबिट, बराबर, तो बुक में वहां पे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कभी कभी डेबिट किया है, याद ना, कभी कभी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट किया है, उन्होंने नीचे वहां पे बोला है कि इसकी जगह पे सेल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, उसके नीचे क्या लिखा है, सेल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, कोई बुक देख रहा हो तो वहां पे दिखाई देगा, ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी यहां पे इसका मतलब क्या है कि आपको चॉइस दे रही है, या तो सेल अकाउंट को डेबिट कर दो या फिर रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर दो, बट बेसिकली मेरा प्रेफरेंस जो है वो सेल्स अकाउंट को डेबिट देना ही रहता है, क्योंकि सेल होके वापिस आया तो सेल्स रिटर्न कहा जाता है, बराबर, नहीं तो आप क्या करोगे, सेल दिखा के बाद में रिटर्न इनवर्ड अलग दिखाओगे, मतलब वो सेल हो गया ऐसा दिख रहा है ना, मैं सेल को डेबिट करता हूं तो इसका मतलब क्या, ये सेल हुआ ही नहीं है, समझ आ गया, और रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करता हूं इसका मतलब क्या, सेल हो गया था और बाद में गुड्स वापस आ गए, तो ये कंफ्यूजन बाद में क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपको सेल ऑन अप्रूवल पे कौन से भेजे थे ये कैसे समझेंगे, सेल को डेबिट किया हो तो समझेगा कि हाँ ये गुड्स वापस आ गए और वो सेल ऑन अप्रूवल किए थे, बेचे ही नहीं है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने आपको दो चॉइस दिए, इट्स योर चॉइस, आपको रिटर्न इनवर्ड से जाना हो जाओ, ठीक है, अगर आप रिटर्न इनवर्ड को डेबिट देते हो तो नीचे लिखना सेल को डेबिट दिया जा सकता है, और सेल को दे दो तो नीचे लिख दो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट दिया जा सकता है, क्लियर। आगे अगली एंट्री, रिटर्न आ गया ना कितने, 50, तो एंट्री बोलो सेल्स अकाउंट डेबिट या सेल्स अकाउंट ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, सेल्स ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट कितना, 250 into 250, 200 नहीं, 250, किसने 10,000 बोला, 50 रिटर्न आ गए ना, हाँ 50 into 250, सेल को रिवर्स किससे करेंगे, पहले जितने से क्रेडिट किया उतने से ना, अरे सेल को रिवर्स करें ना, कितने से रिवर्स करेंगे, पहले जितने क्रेडिट किए थे उतना डेबिट कर देंगे ना, पहले कितना क्रेडिट किया था, 250, तो अभी रिवर्स 250 से ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो 50 रुपए का सेल वहां पे वैसे ही दिखाई देगा, तो लिखा 250 into 250, 1250 लिखा, आगे सेल टू कस्टमर लिखा, आगे मार्च 31 को बाकी क्या है, अप्रूवल मिला ना, नहीं क्या हुआ, 70 वेयर सोल्ड, इसका कुछ करना है क्या, नहीं, वहां पे लिख देना नो एंट्री फॉर 70 सोल्ड, राइट। आगे बोलना क्या,
मतलब 50 का हो गया, 70 का हो गया, 80 जो है उनके पास पड़े हुए, उसका पेरोल नहीं मिला 200 में से, बराबर। तो वो क्या करेंगे, पहले सेल्स से निकालेंगे। तो एंट्री बोलो, सेल्स अकाउंट डेबिट 80 into 250 कितना, 20,000। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये रिवर्स कर दिया, 80 जो बेचे नहीं है, अनसोल्ड है 31 मार्च को। और ये कहां पे लिखेंगे, कहां पे डालेंगे, या तो क्लोजिंग स्टॉक में डालो या फिर सेल्स गुड्स विद कस्टमर। तो लिखो गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना, 80 इंटू कॉस्ट कितनी है, 200 ना, कॉस्ट पे ही लिखेंगे, 80 इंटू 200 कितना, 16,000। डन, समझा, कोई डाउट है, समझा, यस, पक्का, कोई डिफिकल्ट नहीं ना इसमें, यस, समझ में आ गया, मैं ही खुश हूं आपको समझ में आ गया तो, मतलब मुझे भी पढ़ाना आता है थोड़ा बहुत, ऐसा लगता है आपको समझ में आने लगा तो, ठीक है, या ये चेयर पे बैठने के बाद में मुझे बचपन की याद आती है, ऐसा लगता है कि एक बार घूम के आओ, हाँ ऐसे वहां पे गई बचपन, क्या खेलते थे वो, राउंड राउंड, हाँ चल क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए सेंड्स आउट, अगर वैसे ही प्रॉब्लम होगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, वैसे ही प्रॉब्लम है क्या, एक बार देख लो, वैसे ही मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ऑब्वियसली वर्डिंग चेंज होगी, राइट। कितने गुड्स भेजे थे, 4,000 + 3,000 7,000 के, एंट्री क्या आ गई, बोलो बोलो बोलो, लिखो मत, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री क्या होगी, 7,000, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं क्यों, क्योंकि उन्होंने एंट्री पूछी अप्रैल वाली, ये इनके टाइम पे एंट्री नहीं बोली उन्होंने, ये जो 7,000 के गुड्स पड़े उनके पास, तो आपने क्या किया 31 मार्च को क्या किया, रिवर्स किए ना, 7,000 के गुड्स पड़े वहां, उसे कहां से निकाला, सेल से निकाला, और कहां पे लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिया, बराबर। तो ऐसे केस में अगले साल क्या करोगे ये पूछ रहे, क्योंकि अभी भी गुड्स उनके पास है ना, अभी भी गुड्स किसके पास है, कस्टमर के पास, और वो अगले 10 दिन में हाँ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, और हाँ बोला तो सेल, समझ आ रहे, ठीक है। तो 31 मार्च को रिवर्स करना, ये तो आपने सीख लिया, अप्रैल में क्या करना है फिर, ओपनिंग स्टॉक, लेकिन अपने पास है ही नहीं ना, वो तो सेल होने की, देखो मतलब मैंने क्या किया, पहले एंट्री सेल की दिखा दी भाई, ताकि मैं भूल ना जाऊं, करेक्ट है, ये सेल में दिखा दिया ताकि मैं भूल ना जाऊं, गुड्स वापस आएंगे तो रिवर्स कर दूंगा एंट्री, और बेचे गए तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने भूल जाऊंगा, इस वजह से एंट्री करके रख दी, किसमें, सेल में ही कर दी, क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं, तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन किए। अभी मैंने क्या किया, 31 मार्च को रिवर्स कर दी, क्योंकि वो बेचा नहीं गया, और बाद में हो सकता ना, एक बार 31 मार्च में रिवर्स कर दिया, कस्टमर को मैंने पहले डेबिट दिया था, अभी क्रेडिट कर दिया, कस्टमर के अकाउंट से वो नील हो गया, और बाद में मैंने 31 मार्च को रिवर्स किया, और बाद में 15 दिन में भूल गया, हो सकता ही नहीं, बराबर ना। तो तब तक के लिए मैंने रिवर्स करके क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया, बट अभी भी गुड्स किसके पास है, कस्टमर, वो बेचे जा सकते हैं, यस। तो आप एक काम करो ना, इमीडिएटली 1 अप्रैल को वो एंट्री फिर से सेल की दिखाओ, उससे क्या होगा, उससे वही होगा कि मतलब 1 अप्रैल को फिर से सेल की एंट्री कर दी, भूलेंगे नहीं, अगर 15 तारीख तक उन्होंने हाँ बोल दिया तो फिर से एंट्री करने की जरूरत नहीं है, 15 तारीख से पहले गुड्स रिटर्न कर दिया तो जो एंट्री किए उसे रिवर्स कर देंगे, समझ आ गया, रिवर्स कर देंगे उस एंट्री को, और 31 मार्च तक वेट करने की जरूरत ही नहीं, अभी तो एक 15-20 दिन में पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, देखो मान लो 21 तारीख को, ध्यान दो, सीक्वेंस याद रखना, 21 तारीख को मैंने गुड्स भेजे तो एंट्री इमीडिएटली क्या की, 21 मार्च को सेल की, 31 मार्च को अप्रूवल नहीं मिला तो इमीडिएटली उसे सेल से निकाला, क्लोजिंग स्टॉक में रख दिया, क्यों, नहीं तो मेरा
प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है उससे, सेल गलत दिखाई देगा। लेकिन अभी ये रिवर्स करने से क्या हुआ, कस्टमर को मैंने कुछ दिया ही नहीं ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पहले डेबिट किया और बाद में क्रेडिट कर दिया। तो इमीडिएटली 1 अप्रैल को आपने क्या करना चाहिए, फिर से एंट्री कर दो, और अगर गुड्स बेचे गए तो फिर से एंट्री करने की जरूरत नहीं, गुड्स वापस आ गए तो रिवर्स कर दो। भूलना नहीं है, अप्रैल में फिर से रिपीट करना है अगर 31 मार्च को रिवर्स किया हो। लॉजिक समझ में आ गया क्यों? ठीक है, मतलब इसमें मुझे लगता है कि एंट्रीज वगैरह डिफिकल्ट नहीं है। अदरवाइज आपको अगर पहले कभी कन्फ्यूजन हो इस चैप्टर के बारे में इन केस, तो ये कन्फ्यूजन जो है ना वो आपका सिक्वेंस में ही हो सकता है, क्या क्यों कैसे। इसमें एंट्रीज तो नॉर्मली है ना, मैंने आज कौन सी नई एंट्री पढ़ाई, सिर्फ सेल के आगे सेल ऑन अप्रूवल लिखना सिखाया मैंने, बाकी कोई नई एंट्री नहीं सिखाई आज। देखो कोई भी नई एंट्री नहीं की हमने, समझा है, नई एंट्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ तरीका। पहले मैंने उसे डेबिट दे दिया, बाद में वहां पे क्या कर दिया, पहले मैं कस्टमर को डेबिट दे दिया, सेल को क्रेडिट दे दिया, मान के कि सेल हो गया, बाद में गुड्स वापस आ गए तो रिवर्स कर दिया, बाद में गुड्स उन्होंने परचेस कर दिया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, कि सिर्फ आपको सिक्वेंस बोल रहा हूँ किस तरह से एंट्री करनी है। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल लिखो, पहले लिख देना ऑन 31 मार्च एंट्री ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, एंट्री फॉर सेल ऑन अप्रूवल इज रिवर्स्ड ऑन 31 मार्च, एंट्री ऑन सेल ऑन अप्रूवल इज क्या की रिवर्स्ड, इज रिवर्स्ड। एंड नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्टिल द गुड्स आर विथ, स्टिल द गुड्स आर विथ किसके पास है, कस्टमर, स्टिल द गुड्स आर विथ कस्टमर, देयरफॉर बोलो, देयरफॉर एंट्री फॉर सेल शैल बी रिकॉर्डेड अगेन, शैल बी रिकॉर्डेड अगेन। बोलो तो 31 मार्च पे एंट्री क्या हो गई, लिख दो 31 मार्च पे एंट्री क्या हो गई, 31 सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कितना, 7000 राइट। बाद में क्या हो गया, नहीं वो तो है क्लोजिंग स्टॉक में डाल देना, पहले लिख देना वहां पे गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, 31 मार्च को बोल रहा हूं मैं, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना कॉस्ट कितनी है, 25% किस पे, कॉस्ट पे, लेकिन सेल प्राइस है ना अपने पास, तो सेल प्राइस ज्यादा होती है तो 25% से कम होना चाहिए ना, कितना 20%, ठीक है। तो बोलो 7000 में से 20% माइनस कर दो कॉस्ट निकालने के लिए, कितना 5600। बाद में क्या हो गया, 30 अप्रैल को क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने मतलब मिस्टर एक्स को 4000 दिए थे ना, उसने हाँ बोल दिया और बाकी के गुड्स क्या हो गए, रिटर्न आ गए, बाकी के गुड्स क्या हो गए, रिटर्न आ गए। तो सबसे पहले अभी यहां पे देखो, आपके पास चॉइस ये भी थी कि आप 30 अप्रैल तक रुक जाओ, बराबर ना, कैसे रुक जाओ ऑप्शन था ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भूल जाएंगे ना। तो वहां पे अभी आप देखो व्हाट इज प्रेफरेबल, ये मैं आपको बता देता हूं, प्रेफरेबल इज दैट इमीडिएटली आप सेल की एंट्री फिर से कर दो, ये प्रेफरेबल है, ये तो भूल जाओगे, ठीक है। बट आप 30 अप्रैल तक रुकते हो और बाद में एंट्री करते हो तो ये भी सही है ना, गलत नहीं है कुछ। मतलब आप बुक में शायद से देखोगे कि उन्होंने 30 अप्रैल को डायरेक्टली एंट्री कर दी, बट ये टेक्निकली फिर लिख के रखने की क्या जरूरत थी, लास्ट टाइम भी अगर सेल होने के बाद ही एंट्री करनी थी तो पहली बार आपने सेल की एंट्री की बाद में रिवर्स की, तो उस वक्त भी सेल की एंट्री करने की जरूरत नहीं थी, किया क्यों था फिर, ना भूले इस वजह से। तो अभी भी वही क्वेश्चन आता है ना, 31 मार्च को रिवर्स किया तो फिर से वही क्वेश्चन आता है कि भूलना चाहिए कि जो रिवर्स कर दिया कि उनसे पैसे आने बाकी है,
तो लॉजिकली या प्रेफरेबली मुझे लगता है कि वो एंट्री क्या होनी चाहिए, इमीडिएटली 1 अप्रैल के सेल की एंट्री होनी चाहिए. समझ में आ गया? ठीक है, तो वहां पे इमीडिएटली क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000. बाद में 30th अप्रैल क्या हो गया, नहीं 30th अप्रैल नहीं नहीं 10th अप्रैल, 10th अप्रैल को गुड्स आ गए वापिस, 10th अप्रैल क्या क्या सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 3000 और 30th अप्रैल को क्या हो गया, सेल हो गया ना 4000 के, 30th अप्रैल लिख देना क्या नो एंट्री, ना नो एंट्री. और वहां पे लिख देना अल्टरनेटिवली वी कैन पास एंट्री फॉर सेल डायरेक्टली ऑन 30th अप्रैल फॉर क्या, फॉर रुपीज 4000. आज भूत बज रहे फोन. हाँ वो भी अच्छा है, जो जिसका फोन बजा वो गाना गाएगा. केदार गाना गाएगा आज वो, उसका चेहरा ऐसे क्या हो गया, क्या किया तूने, गम में, कैसी गम में केदार, नहीं नहीं केदार का बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ फिर, कुछ भी हो जाए तबीयत ठीक नहीं. हाँ देखो टीचर का कितना ध्यान होता है, टीचर कितने मतलब क्या कि ध्यान रखता है कि नहीं आज इसका मूड ठीक नहीं लग रहा, ठीक है आज ये कोई तो प्रॉब्लम है, ठीक है बाकी सभी ठीक, मतलब थोड़ी नॉर्मल अच्छे जैसे, तो अंदर से क्या चल रहा है वो तो समझ में नहीं आता है, जो चेहरे पे चल रहा है वो तो कम से कम मैं नोटिस कर सकता हूँ. कुछ तो हुआ है, क्या हुआ दोस्त को पता होगा, क्या मतलब तभी ठीक नहीं बोल रहा, चलो ठीक है अगला. और यही ऐसा चेहरा टीचर बना ले जरूर मैडम के साथ झगड़ा हो गया होगा. हाँ आते वक्त मैडम के साथ झगड़ा करके आए सर, आज बहुत गुस्सा कर रहे, आज वहां पे मूड ठीक नहीं है सर का, ठीक है उनकी तबीयत ठीक खराब नहीं हो सकती, उनका सिर्फ मैम के साथ झगड़ा हो सकता है, ठीक है उनकी तबीयत खराब नहीं हो सकती. हाँ कौन है वो, हाँ तो अ फर्म सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन द मंथ ड्यूरिंग मे 2016 द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड. वो अभी अब देखो क्या बोल रहे, अकाउंट बनाओ, वो बोल रहे अकाउंट बना के दिखाओ, मतलब प्रॉपर अकाउंट बन रहे मतलब सेपरेट बुक मेंटेन हो गया होगा. लास्ट में देखो शो इन द बुक्स ऑफ फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर पी, ठीक है ये बना के दिखाओ ऑन 15 जून. तो चलो 15 जून तक बनाना है तो अकाउंट बना के दिखाते हैं. कस्टमर कौन कौन है, पी बी क्यू डी ई आर, टोटल कितना सेल है 15 + 20, टोटल ले लो 15 + 20 35 प्लस टोटल क्या है 93000, ये टोटल सेल है ना, उसमें से नीचे क्या बता दिया 93 में से विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, पी एंड क्यू ने रिटर्न कर दिया, मतलब पी का कितना है 15000, नहीं हाँ भाई पी का 15000 और क्यू का
28,000, मतलब कितना आ गया, 43 आ गया ना वापिस. ओके, और उसी बीच क्या हो गया, BDE signified that they have accepted the goods. उन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब सेल किया. अभी हम सेल में एंट्री नहीं कर रहे, किसमें एंट्री कर रहे, पहली सेल ऑन अप्रैल में, तो वहां से निकाल के वो एंट्री बाद में सेल में चली जाती है, वो याद रखना. हम दूसरे मेथड पे चल रहे हैं. अभी जो देखा था सेल में लिखना वो नहीं, अभी सेपरेट बुक्स या सेपरेट अकाउंट मेंटेन होंगे. तो चलो बोलो, मैं ऐसे ही मतलब वहां पे अकाउंट बना लेता हूं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लाइन मारने की आदत नहीं है तो इस वजह से वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ऐसे वैसे, हाँ ठीक से नहीं आ रहा, वो परफेक्शन नहीं है. हाँ आप लोगों को आदत है लाइन मारने की, मारो. एंड क्या, चलो हो गया, अरे चलो ना, लिखो 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 लिख 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 लिख, हो गया. यस, तो पहले एंट्री बोलो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट, बराबर है. तो सेल और रिटर्न को क्या मिला, क्या मिला, क्रेडिट मिला ना. एंट्री बोलो बाय, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय क्या, कस्टमर्स सुंदरी, कौन से सुंदरी, सुंदरी कस्टमर्स. मिला कितना सुंदरी, सुंदरी कस्टमर्स 93,000. आगे क्या हुआ, उसी बीच गुड्स क्या हो गए, सेल कितने, दोनों ने बीडीई, कौन है बीडीई, दोनों बी मतलब 20,000, बी का 20,000 है ना, डी का 3,000 और ई का 1,000, मतलब 24,000 का सेल हो गया. और बाकी जो है कौन, पी एंड क्यू मिला के 43,000 इन्होंने रिटर्न कर दिए. तो बोलो अभी क्या होगा, रिटर्न आ गए या गुड सेल हो गए, दोनों केस में मुझे सेल ऑन रिटर्न बेसिस से निकालना पड़ेगा उसे. वो सेल की एंट्री अलग होगी, वो बोला नहीं उन्होंने बनाने के लिए. अभी तो क्या बोला, सिर्फ सेल और रिटर्न का बता दो, तो मैं एंट्री क्या करूं दोनों के लिए, क्या सेल और रिटर्न को पहले क्रेडिट किया था, अभी सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मतलब सेल और रिटर्न को डेबिट 31 मई टू, बोलो सन्ड्री कस्टमर्स, कौन ए का कितना है, नहीं सॉरी बी का, बी प्लस कौन कौन है, डी प्लस ई, इन तीनों का लेना ना, बोलो कितना, 20,000 प्लस 3,000 और 1,000, तो कितना 24,000 रिटर्न आ गया, नहीं बेच दिए, सो नहीं क्या हो गया, सोल्ड. अभी उसी दिन क्या हुआ, तो उसी बीच क्या हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सो सन्ड्री कस्टमर्स रिटर्न ना, बी एंड नहीं पी एंड क्यू है ना, पी प्लस क्यू कितना, कितना आता है 43,000. चलो हुआ, बाकी तो गुड्स वैसे ही पड़े ना, मतलब सेल ऑन अप्रैल पे ही है तो बैलेंस बचेगा, तो हमें पता चल गया सेल ऑन अप्रैल पे अभी भी गुड्स कितने बचे हैं, 93,000 और क्या 15 जून को, 15 जून तक बोला है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है, बैलेंसिंग फिगर लिख देना कितना 26. और साथ में उन्होंने क्या बोला, इसके साथ साथ और क्या बनाने के लिए बोला है, पीज अकाउंट, बोलो
पी का, पी को पहले क्या किया था, सेल, सेल ऑन अप्रूवल, सेल नहीं, सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है। इसका अकाउंट अलग होगा, इसमें सेल की एंट्री मत करना, ये सेल ऑन अप्रूवल के साथ जो अलग बुक में बनता है वो अकाउंट है, और सेल की एंट्री याद है ना मेन बुक में अलग कस्टमर का, मतलब पी के दो अकाउंट होंगे, कहां पे, एक सेपरेट बुक में और ये मेन बुक में। सेपरेट बुक में एंट्री किसकी होती है, सिर्फ सेल ऑन अप्रूवल की, और बाद में मेन बुक में जाके सेल की एंट्री जब होती है ना उस वक्त उसका पी का अकाउंट अलग होता है वहां पे, नहीं तो आप सेल की एंट्री भी पी में कर दोगे गलती से। तो यहां पे अप्रूवल के साथ जो बन रहा है वो बनाना है। बोलो पहले क्या किया, सेल, सेल किया ना, टू रिसीवर है ना, पीज अकाउंट डेबिट उसको मिला होगा, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर कौन है पी, उसको डेबिट दे दो, सेल और रिटर्न अकाउंट कितना 15,000। बाद में क्या हुआ, उसने क्या किया है, गुड्स रिटर्न कर दिए ना, क्लोज, खत्म, अगला जो है क्या, ऑन 31st December 2016 है ना, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। सिर्फ एक बात याद रखना है इसमें, एक बात याद रखना, क्या बताया उन्होंने, कॉस्ट प्लस 20% बताया ना, ये गुड्स अभी तक ये नहीं हुए, क्या बोलते हैं उसे, सेल नहीं हुए, भेज तो दिए सेल नहीं हुए, तो कॉस्ट प्लस 20% है, तो ये सेल पे कितने हो जाएंगे, सेल ज्यादा होता है ना, तो 20% से कम कितना, 16.67, तो मतलब 3000 का 16.67% प्रॉफिट आप निकालते हो, माइनस करते हो, तो राउंड ऑफ करके 25,000 आ जाएंगे, ये कॉस्ट है। आप क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट या मार्केट प्राइस विचएवर लेस लिखते हो ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडरलाइन करना, प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब 2500 जो कॉस्ट प्राइस आ जाए ना, ठीक है, तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 2250, तो अभी हम क्लोजिंग स्टॉक में या सेल विद गुड्स विद कस्टमर में डालेंगे तो कितना डालेंगे, 2250, विच इज लेस, क्लोजिंग स्टॉक वैसे ही वैल्यूएट किया जाता है ना, ठीक है, तो वैसे ही करना है, सिर्फ याद रखना 2250 कैसे आया, एक तो 3000 में से प्रॉफिट माइनस किया तो 2500 आता है, और लेकिन मार्केट प्राइस 10% कम है, मतलब कितनी, 2250 पे ही रिकॉर्ड करना है, क्लियर, कोई डाउट नो, ओके आगे लास्ट वाला, उन्होंने बुक बनाने के लिए बोला है, कौन सा, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, या फिर सोल्ड और रिटर्न डे बुक, मतलब जिसमें क्या है कि हम लिखेंगे कितने गुड्स भेजे, कितने गुड्स वहां पे रिटर्न आ गए, कितना बैलेंस है, ये हम वहां पे दिखाने वाले हैं, समझ आ गया, ठीक है, तो चलो बुक टाइप में बनाएंगे, डेट चाहिए, अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ठीक से देख लो, पहला डेट, बाद में
कस्टमर LF अमाउंट डेट, फिर से डेट आएगा, ये डेट किसके लिए, किस दिन रिटर्न हो गया, किस दिन सेल हो गया, ये दिखाने के लिए. अभी पहले कौन सा आएगा, गुड्स कितने भेजे, उसमें बाद में लिखना पड़ेगा ना, इतने गुड्स वापस आ गए, इतने रह गए. तो इस वजह से आगे डेट का कॉलम और एक बार बनता है, ताकि जो गुड्स भेजे वो कब वापस आए ये सामने अवेलेबल हो जाए रिकॉर्ड. डन. बोलो. पहले डेट क्या है, 2016 में चल रहा है ना, 19 योटा 65 ठीक है. तो 2016 प्रॉब्लम में 2016 है, अभी 2019 चल रही है मुझे पता है. हाँ तो दिसंबर कब, 10 उस दिन क्या हुआ है, मेसर्स एबीसी कितना भेजा, 10,000 अभी आप नीचे एक पॉइंट देखना, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज और नहीं में 15 डेज में वापस आए तो सोल्ड. और वहां पे बोला है 31 दिसंबर तक कोई भी अप्रूवल नहीं आया, तो क्या मानेंगे, कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए ना, 21 दिन हो गए, 15 दिन से ज्यादा हो गए, तो क्या मानेंगे, सेल. तो इस वजह से 31 दिसंबर 2025 को ही मुझे क्या मानना है, उसे 15 दिन बाद सेल मानना है. कितना बोलो, कितना, 10,000 समझ में आ गया. 15 दिन का टाइम दिया है, मतलब 10 तारीख से 15 दिन मतलब 25 को ही वो सेल हो गया, 31 तक वेट करने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर. आगे अगला कौन सा है, दिसंबर 12 कौन है, मेसर्स डी ई एफ बोलो, 15,000 दिसंबर क्या, कब रिटर्न आ गए ना, 16 को रिटर्न कितने सभी, 15,000 फिर से, मेसर्स जी एच आई कितना, 12,000 दिसंबर 20 को क्या हुआ, और 2,000 रिटर्न, और देखो ना 2,000 रिटर्न और 31 तक क्या कुछ बोला है कि 31 तक क्या हुआ, नो इन्फॉर्मेशन ना, तो क्या मानना है, 15 दिन हो गए ना, ठीक है, तो सेल ही मानना है ना उसे. और 2,000 वापस किए मतलब बाकी परचेस किए होंगे, ऑब्वियस है. आगे बोलो. ट्वेंटी क्या हुआ, 16,000 आगे गुड्स रिटर्न है ना, रिटेन मतलब रख दिए उन्होंने, मतलब सेल हो गए वो, कितना पूरा, 25 दिसंबर बोलो. हाँ बोलो, रिटर्न की है ना,
रिटेन किए मतलब रख लिए उन्होंने, रिटेन मतलब क्या, रख देना मतलब सेल हो गया, और रिटर्न मतलब वापस आ गया, कितना पूरा, और दिसंबर 30 मेसर्स जी अच्छा कितना, इसका कुछ पता है क्या, नहीं पता ना, नहीं मान नहीं सकते ना, सेल हो गया 15 दिन बाकी है ना उसके लिए, उसने कुछ बताया नहीं भी और 15 दिन बाकी है तो सेल हो गया कैसे मानेंगे। लास्ट वाला जो ट्रांजैक्शन है उसे सेल मत मानो, क्योंकि 15 दिन का टाइम है उसके पास, अभी सेल नहीं मान सकते, 15 दिन हो गए होते कंप्लीट तो मान लेते। डन, बोलो कितना, और 47 और ये, और ये मैच नहीं हो रहा है, क्यों, ये 13,000 के गुड्स अभी भी सेल भी नहीं हुए और रिटर्न भी नहीं आए। इसका अकाउंट बनाने के लिए बोला है उन्होंने, अकाउंट कैसे बनाओगे बोलो, बहुत सिंपल है अकाउंट, ये पूरा जो है 77,000 सेल है ना, तो इसे क्रेडिट कर दोगे सन्ड्रीज, सन्ड्री कस्टमर्स 77,000 क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, हाँ सेल ऑन अप्रूवल को अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 77। बाद में क्या करोगे, अगर ये जो सोल्ड है और रिटर्न है वो रिवर्स कर दोगे, टू सन्ड्रीज उस तरह से रिवर्स कर दोगे, क्लियर। और बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 13,000, ठीक है। सिंपली डेट हो गया और मत लिखो, सेल और रिटर्न अकाउंट, तो यहां पे क्या, बाय सन्ड्री कस्टमर्स कितना है, आगे सोल्ड कितने हैं, रिवर्स करें ना, ये मेन बुक में जाके सेल की एंट्री आ जाएगी, कितना 17,000, तो निकालो बैलेंस, टू बैलेंस क्या इट डाउन, कितना 13 ही ना, और ये सभी ईयर एंड पे ही पोस्टिंग होती ना अकाउंट में, मंथ एंड पे या ईयर एंड पे डिपेंड्स, कोई डाउट है, तो डेट कौन सी आएगी, 31 दिसंबर ना, इसमें 31 दिसंबर 2016 पोस्टिंग एक साथ होती है अकाउंट में, एक एक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक करके तो लिखा है ना बुक में, तो बार बार हर एक को जी एच आई डी ई एफ बार बार लिखने की जरूरत है, आपको डिटेल में चाहिए पार्टी का नाम तो कहां पे जाओ, बुक में, और अकाउंट में सिर्फ उसका बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट में ट्रांसफर किया है, क्लियर। बुक में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं, पक्का समझा, ओके तो चलो बाय।